टू माइज अकेडमी गाइज, आज हम चैप्टर 11 जो हमारे कॉरपोरेट फंडिंग का पार्ट है जो मॉड्यूल 3 में आता है पेपर नंबर 7 ऑफ सीएस प्रोफेशनल, उसकी रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो तभी आपके लिए यूजफुल होगी जब आपने खुद पढ़ रखा हो और आपको चीज़ें याद हो, ठीक है? तो हम रिवीजन करेंगे तो सब कुछ ब्रश अप हो जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा चैप्टर का नाम है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशेस, ठीक है? तो इसका नाम, इसका मतलब क्या है? पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे जो स्टडी मॉड्यूल है उसके भी इंट्रो में ये लिखा है कि पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि शेयर्स क्या है। देखो, जैसे ये नाम है ना, वैसे हम लोग वापस उल्टा चलेंगे। जैसे शेयर्स क्या है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फिर रिडीमेबल, फिर नॉन कन्वर्टेबल, फिर उसके रेगुलेशंस, बिल्कुल उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे जो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है ना मॉड्यूल के, उसमें ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं मॉड्यूल से। तो उसमें क्या लिखा है ना, देखो, शेयर इज अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर एक पार्ट होता है शेयर कैपिटल का, जिसका हकदार हर एक मेंबर जो कि जो इन्वेस्ट करता है हमारी कंपनी में, वो हकदार होता है। शेयर एक सम ऑफ मनी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है एक राइट्स के बंडल का, और इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी, ठीक है, मेड अप ऑफ बंडल ऑफ राइट्स बाय इंटरेस्ट मेजर्ड। फिर से पढ़ते हैं। अ शेयर इज अ पोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, ठीक है, शेयर एक सम ऑफ मनी नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है राइट्स का। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट, राइट टू डिविडेंड, राइट टू अटेंड मीटिंग, ये सारे हमारे जो राइट्स होते हैं एज मेंबर, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ ही इंटरेस्ट मेजर करता है जो हमारी कंपनी में जो एक इन्वेस्टर का होता है, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है शेयर का, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 84 में दिया हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। उसके आगे देखो, ये चीज़ें अलग दी हुई है, लेकिन फिर मैंने इसका रिलेशन जो एस्टैब्लिश होता है उसके रिलेशन में जो आया, उसको मैंने आगे फर्दर क्लासीफाई किया। तो सेक्शन 43 क्या कहता है कि शेयर्स के दो काइंड होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो पार्ट्स होते हैं, जो वोटिंग राइट्स जो इनके नॉर्मल होते हैं, जो वोटिंग राइट्स होते हैं, और जिनके डिफरेंशियल राइट्स होते हैं। जो डिफरेंशियल राइट्स या तो डिविडेंड से हो सकते हैं, वोटिंग से होते हो सकते हैं, या अदरवाइज में यहाँ क्या हो सकता है, बोनस शेयर्स हो सकते हैं जो कि इशू किए गए हैं। और इसका रूल नंबर है डिफरेंशियल राइट्स का रूल नंबर 4, ठीक है, रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014। फिर आगे आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब वो होता है जो जो कि प्रेफरेंस ना हो। ये डेफिनेशन बहुत ही वियर्ड है, लेकिन हाँ यही डेफिनेशन है जो हमारे कंपनीज एक्ट में दी हुई है। फिर प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि दैट पार्ट ऑफ इशू शेयर कैपिटल जहाँ एक प्रेफरेंशियल राइट है, चाहे वो वोटिंग में हो या फिर रीपेमेंट इन केस ऑफ डिविडेंड, सॉरी वाइंडिंग अप। देखो यहाँ लिखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में वो प्रेफरेंस हो, या फिर पेमेंट रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था वोटिंग राइट्स होते हैं, रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स सेक्शन 47 में दिया हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट। इस चैप्टर में कंपनीज एक्ट का रेलेवेंस है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट में चीज़ें दी गई है ना, वही सभी के रेगुलेशंस में भी सेम सिमिलर चीज़ें दी गई है, कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे कुछ भी नहीं है। और ये चैप्टर बहुत ईजी है। एवरी मेंबर हैज राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस प्लेस बिफोर द कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करने चाहिए। देखो, मेंबर के पास वोटिंग राइट तभी आएगा जब वो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर हो और
उस कंपनी में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो। वोटिंग राइट इन केस ऑफ पूर इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन पेड अप कैपिटल, मतलब 10 शेयर इक्वल टू 10 वोट्स। ये सब ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी। होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शैल हैव राइट टू वोट। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होता, लेकिन 3 कंडीशंस में वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। वो है वाइंडिंग अप, रिपेमेंट या रिडक्शन इन इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और थर्ड इज वेरिएशन ऑफ राइट्स। ये वेरिएशन ऑफ राइट्स होता है सेक्शन 48 में, वेरिएशन ऑफ राइट्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अमालगमेशन और मर्जर होता है ना, तब भी वेरिएशन ऑफ राइट्स हो सकते हैं सेक्शन 230 से 232 में। ये आता है इस चैप्टर से डायरेक्ट रिलेटिव रिलेशन में पार्ट। देखो इसमें क्या है ना, वोटिंग राइट्स तभी, और इसमें और एक कंडीशन है कि किस प्रोपोर्शन में वोटिंग राइट्स आते हैं। तो इट शैल बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बेस टू पेड अप शेयर कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर देखो कंपनी में 100% फाइनेंस्ड है फ्रॉम शेयर कैपिटल, उसमें था 20% फ्रॉम प्रेफरेंस एंड 80% फ्रॉम इक्विटी, तो उसको वोटिंग राइट्स भी इसी प्रोपोर्शन में आएंगे, 20:80, दैट इज 1:4। फिर है कि अगर किसी भी डिविडेंड के प्रेफरेंस शेयर के क्लास में अगर डिविडेंड 2 साल या उससे ज़्यादा, ये चीज़ याद रखने की, 2 साल या उससे ज़्यादा तक अगर नहीं दी गई है, तो उनके पास हर एक सिचुएशन में इररिस्पेक्टिव, ये तो बस स्पेसिफिक सिचुएशन हुआ ना, हर एक सिचुएशन में उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। फिर है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। रिडीमेबल तो हम इशू ही नहीं कर सकते, और इररिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। रिडीमेबल मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑल कंपनीज एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की 30 ईयर्स होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि फ्रॉम 21st ईयर एवरी ईयर आपको 10% ऑफ द, यहाँ लिखा हुआ है 10% रिडीम करने होंगे, और चाहे वो आपके अग्रीमेंट पे हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पे आप रिडीम करो, लेकिन एट दी ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है कि किस बेसिस पे आपको रिडीम करना है, लेकिन आपको 10% हर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको रिडीम करने होंगे। और ये है रूल नंबर 9। ये रूल नंबर 9 है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 के। पहले तो AOAs ऑथराइज होने चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और कोई सबसिस्टिंग या कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि नो सबसिस्टिंग या कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कि आज तक आपका वो डिफॉल्ट चला आ रहा हो इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये चीज़ याद रखनी होगी, चाहे वो देखो वो कभी भी इशू किया हुआ हो, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर आज तक भी वो चला आ रहा हो वो डिफॉल्ट, तब आप इशू नहीं कर सकते फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स। और ये प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ कोई स्पेसिफिक काइंड के ऊपर नहीं है कि आपका अगर ये काइंड में डिफॉल्ट है तो आप दूसरे काइंड के इशू कर सकते हो। अगर आपका किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स में डिफॉल्ट है तो आप इशू आगे नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स, जब तक वो डिफॉल्ट आप सही नहीं करते। कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखो रिडेम्पशन कैसे हो सकती है, या तो ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है CSXC में, कि या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से होगी या फ्रेश इशू से होगी। फ्रेश इशू से कर सकते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से होती है ना, तो ट्रांसफर करते हैं इक्वल अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू इन CRR। CRR इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और ये कंडीशन है कि शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर CRR को कहीं और यूज़ किया गया तो माना जाएगा कि रिडेम्पशन इन शेयर कैपिटल हो रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं पढ़ते समय। फिर है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इनएबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। रोल ओवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी ना पेमेंट नहीं कर पाती अपने, या तो डिविडेंड का, या फिर अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ही रीपे नहीं कर पाती है, किस सिचुएशन, देखो रिडीम नहीं कर पाती है प्रेफरेंस शेयर, या फिर अनेबल टू पे डिविडेंड, वो अपने डिविडेंड को पे नहीं कर पाती है, तब क्या करेगी कि वो
वो कंसेंट ले लेगी 3/4 इन वैल्यू। देखो कंसेंट ऑफ 3/4 इन वैल्यू, जब आप बेट एक्सपर्ट होगे ना उसमें ये चीज क्लियर है कि मे बी इन राइट रिटन में भी आप परमिशन ले सकते हो, मीटिंग की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी ट्रिब्यूनल लेना पड़ेगा इन फॉर्म NCLT 1। अगर आप दोनों चीजें ले लेते हो, क्योंकि ये एन है, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर सकते हो, कर लेते हो, तो ये माना जाएगा कि आप फर्दर, देखो इस शेयर कैपिटल का क्लास के ना क्लास का नाम ही होगा फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये अमाउंट, ये कितने अमाउंट के लिए हम लोग इश्यू करेंगे, ये इश्यू करेंगे जितना इंटरेस्ट का आपका अगर डिविडेंड का अमाउंट बकाया हो, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट का अमाउंट बैलेंस मतलब रिमेनिंग हो, या फिर अगर आपने पूरा ही नहीं दिया हो तो पूरा अमाउंट आपका प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो रिडीमेबल। लेकिन अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। और ये इशू जब हम करते हैं ना, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं मानेंगे ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये बैलेंस शीट में अलग से नहीं दिखाई देगा। और CRR का यूज ही एक है, बोनस इशू कर सकते हैं हम लोग। फिर है RBI की गाइडलाइंस क्या है। देखो इसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रिपीटेटिव है और हमने पढ़ा भी है, अकाउंट्स में भी पढ़ा था एग्जी में, और पहले भी 12th में भी पढ़ा हुआ है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या होता है, पहले तो लॉन्गविटी मतलब कितने टाइम तक आप उसे रख सकते हो उसका। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो ओनर का फंड है, वो लाइफ टाइम चलेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसे बाय बैक नहीं करते। और प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल का क्या है कि आप या तो 20 ईयर्स हो सकते हैं या 30 ईयर्स हो सकता है। डिविडेंड इंटरेस्ट का क्या होता है कि डिविडेंड आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे दो या ना दो, कोई भी रेट पर दे सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का हमेशा एक स्पेसिफिक रेट होगा जो उनके क्लास के साथ ही डिफाइंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप ये बैलेंस शीट में देख सकते हो। और टैक्स का बेनिफिट मिलता है, दोनों में ही नहीं मिलता है। वोटिंग पावर मिलता है तो वो हमने पहले भी पढ़ा है कि इक्विटी को मिलेगा हर एक केस में, लेकिन अगर प्रेफरेंस का 2 साल या उससे ज़्यादा डिविडेंड बकाया हो तब उनको हर एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है ना इससे पहले कि कौन इशू कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो प्रेफरेंस प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, बैंक्स कर सकते हैं। ठीक है, बैंक्स भी देखो कंपनी के फॉर्म में होते हैं, जैसे ICICI बैंक वो कंपनी के फॉर्म में है तो वो भी कर सकती है, क्योंकि वो बैंकिंग कंपनी है तो वो तो कंपनी में आ गई। लेकिन जो बैंक्स विदाउट कंपनी फॉर्म होते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ बैंक्स को अलग तरीके से अलग लिखा गया है। फिर लीगल फ्रेमवर्क मतलब कौन कौन से रेगुलेशंस इस पे एप्लीकेबल होंगे, वो है कंपनीज एक्ट, वो क्लियर है। फिर है NCRPS, वो हम लोग इस चैप्टर का हेडिंग ही वही है। फिर LODR अगर लिस्टेड होंगे, RBI गाइडलाइंस। देखो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये चीज़ थोड़ी सी हमारे एज अ स्टूडेंट ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है टू रिटेन भी, और क्या कहते हैं समझना भी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ऐसे बस रट्टा मार लेते हैं। बैंक्स इशू करती है नॉन इक्विटी शेयर इंस्ट्रूमेंट, और इसके दो तरीके के होते हैं, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट। इनके दो नाम होते हैं। ठीक है, तो इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ना, कि बेसल कमेटी थी उनके थर्ड रिपोर्ट में आया था कि इसे Tier 1 कैपिटल मान सकते हैं। और इनोवेटिव बेसिकली होते हैं ना, उनमें दो तरीके के फीचर्स होते हैं, एक तो ये इन्हें क्वासी इक्विटी भी कह सकते हैं, और ये परपीचुअल होते हैं, और इनमें हाई अब्सॉर्प्शन लॉस अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। ये नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। इतना एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन सिंस वी आर रिवाइजिंग तो पूरे कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करते हुए चलेंगे। और देखो यहाँ Tier 1 कैपिटल लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो Tier 1 कैपिटल हमने पढ़ा था अकाउंट्स में, उसमें क्या था, Tier 1 कैपिटल कोर फॉर्म ऑफ बैंक्स कैपिटल होता है। ठीक है, मनी बैंक हैज स्टोर टू कीप इट फंक्शनिंग थ्रू ऑल रिस्की ट्रांजेक्शन। देखो
ये कैपिटल ये इसलिए होता है ना कि, और ये कोर कैपिटल होता है, ये बेसिक कैपिटल होता है इन द मोस्ट रॉ फॉर्म, कि आपका कोई भी लॉस वाला सिचुएशन राइज होगा तो ये आपको जरूर बचाएगा उससे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एप्लीकेबिलिटी है रेगुलेशंस 3 में, ये फोर्थ से स्टार्ट है। तो रेगुलेशन 3 में एप्लीकेबिलिटी है, जिसमें एप्लीकेबल किस किस चीज़ पे होता है। देखो एनसीआरपीएस का पूरा नाम ही वही है कि इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशंस 2013। तो जहाँ इसका नाम ही है, तो आप इस पे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगा। पहले तो इशू है, तो पब्लिक इशू ऑफ एनसीआरपीएस, फिर है लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस, और थर्ड में क्या आता है ना कि इशू एंड लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। यहाँ आरबीआई इसलिए आया था, आप लीगल फ्रेमवर्क में आरबीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि यहाँ बैंक्स इन्वॉल्व है, जहाँ बैंक्स होंगे वहाँ आरबीआई जरूर आएगा। तो ये तीन चीजें हैं, बस आप इससे याद कर लेना। और ये जो हमारा ये टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप स्टार मार्क कर लो। तो रेगुलेशन 4 है, उसमें ये दिखा लिखा हुआ है कि अगर आपको पब्लिक इश्यू ऑफ एनसीआरपीएस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो पहला जो कंडीशन है उसका उसमें क्या है कि द इश्यूअर पर्सन इन कंट्रोल और ऑफ द इश्यूअर, ठीक है। पर्सन इन कंट्रोल मतलब जिसका भी बहुत हक है, बहुत कंट्रोल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। पहले तो इश्यूअर हो गई, और पर्सन कंट्रोल ऑफ द इश्यूअर, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट टू है। फिर है कि या उसके प्रोमोटर या डायरेक्टर। यहाँ पहले देखो चीजें आपको याद रखनी होगी, इश्यूअर, पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द इश्यूअर, प्रोमोटर, डायरेक्टर। ये तीन चीजें अगर आपके साथ हुई है, रिस्ट्रेंड, प्रोहिबिटेड, डिबार्ड, किस चीज के लिए, एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूअर, या मतलब इश्यूअर इंक्लूडिंग इश्यूअर और प्रोमोटर या डायरेक्टर ऑफ द इश्यूअर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। पहला पॉइंट तो ये हो गया विलफुल डिफॉल्ट, और इट इज डिफॉल्ट, इट हैज डन, इट हैज मेड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एनसीआरपीएस इश्यूड बाय इट टू द पब्लिक इफ एनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर 6 महीने से ज्यादा आपका डिफॉल्ट हो चुका है, मतलब जो आपने पहले इशू कभी किए होंगे और उसका डिफॉल्ट अब तक चला रहा हो 6 महीने से ज्यादा हो, और आपके या आपके प्रोमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है या इशूअर विलफुल डिफॉल्टर है, तो आप इशू नहीं कर पाओगे। फिर है कि आपको एप्लीकेशन लेना लगाना पड़ेगा टू रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप ले लोगे। फिर है ऑब्टेन एंड डिस्क्लोज क्रेडिट रेटिंग, पहले तो लो और उसे डिस्क्लोज करो। और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या होगी, AA-, ठीक है, और इक्विवेलेंट, क्योंकि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ना रेटिंग्स अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट की डीमैट फॉर्म में आप इशू कर सको सिक्योरिटीज। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिमम टेन्योर आपका 3 इयर्स होना पड़ेगा, होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट इक्वल, अगर आपका प्रॉफिट से है तो सीआरआर बनाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एंड यूज रेस्ट्रिक्शन ऑफ आप एनसीआरपीएस ना इशू नहीं कर पाओगे। आपको अगर लोन लेना होगा, लोन देना होगा, या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करना होगा, शेयर्स लेना होगा ऑफ एनी पर्सन हु इज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और हु इज इन अंडर द सेम मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली प्रमोटर ग्रुप के बारे में बात की गई है। लेकिन आप सब्सिडियरीज को लोन, सब्सिडियरीज को पैसे देने के लिए या उनके लोन शेयर्स एक्वायर करने के लिए कर सकते हो एनसीआरपीएस। इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ एनसीआरपीएस एक या उससे ज्यादा को मर्चेंट बैंक कर ले लो, और अगर जहाँ एक से ज्यादा है तो उन्हें नीड मर्चेंट बैंक का आप डिस्क्लो रजिस्टर करवा लो अपॉइंट करने के बाद। फिर इसके बाद हम लोग स्टडी मैट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ये स्टडी मैट आपका। डिस्क्लोजर्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट में क्या होंगे, पहला देखो, पहला तो ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर्स,
जो भी चीजें रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है फॉर द इश्यूर टू फॉर द इन्वेस्टर्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. फिर जो सेक्शन 26, सेक्शन 26 इज कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें भी चेंजेस आए हैं फ्रॉम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017. फिर है स्केड्यूल वन ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस रेगुलेशंस में, और एडिशनल डिस्क्लोजर जो भी सेबी टाइम टू टाइम बताएगा आपको. अंडरराइटिंग अरेंजमेंट्स भी अगर आपने किया है तो उसे भी डिस्क्लोज करो. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये चीज़ें हर एक सेबी रेगुलेशन में रिपीट होंगी, आप ये ज़रूर आगे नोटिस करना. फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, पहला पॉइंट क्या हो जाता है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर फाइल करो टू डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अलॉन्ग विथ फीस. फीस मैं आपको बता दूँ एक बात फॉर योर जनरल नॉलेज, कि अगर पब्लिक है तो 0.0025% ऑफ द इशू साइज, और अगर प्राइवेट है तो 0.00025% ऑफ द इशू. फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ डिस्क्लोजर में, आपका ना स्टॉक एक्सचेंज के पास 7 दिन के लिए उसकी वेबसाइट पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉर कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक. फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है. लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट ऑल कमेंट, जो भी कमेंट्स रिसीव, ये ICDR जैसा ही है, जो भी कमेंट्स रिसीव किए उसके साथ क्या किया गया, वो अगर सही थे तो उनका उनको ऑफर डॉक्यूमेंट में हमने इंक्लूड किया कि नहीं उनकी ग्रीवांसेस को. फिर सारे जो कंप्लायंस ऑफिसर है उनका उनके डिटेल्स आपको देने होंगे, उनका कैसे हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं जनरल पब्लिक. तो लीड मर्चेंट बैंकर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा. फिर है अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये चीज़ें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. अब्रिज प्रोस्पेक्टस में क्या होगा ना, देखो ये चीज़ें ना थोड़ी ऊपर नीचे दी गई है, आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. अब्रिज प्रोस्पेक्टस में ये कहा गया है कि आपको हर एक एप्लीकेशन को, एक तो पहले तो कॉपी देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और कोई भी मतलब एक्सट्रेनियस मतलब कि कोई भी इमटीरियल या गलत बातें नहीं दी गई हुई है, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए जैसे एक नॉर्मल फॉर्म में होता है. फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो उसको भी उसकी भी फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी. फिर इलेक्ट्रॉनिक इश्यूएंस, इसका मतलब ये है प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. फिर है रिडेम्पशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है. प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग, वो डिटरमाइन कर सकता है इशू में बी एट फिक्स प्राइस या जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है किस तरीके से उसे इशू करना है. फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो उसे रिफंड करो, और रिफंड अगर 8 दिन के बाद किया गया फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ ऑफर तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. यहाँ दिखा हुआ है 15%. फिर है अंडर राइटिंग मे बी अंडर रिटन, मतलब कंपल्सरी नहीं है. प्रोहिबिशंस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, शैल नॉट ओमिट एनी मटीरियल फैक्ट, कोई भी मटीरियल फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते. देखो लिस्ट, फिर है मैंडेटरी लिस्टिंग. मैंडेटरी लिस्टिंग है यहाँ पर, इसमें क्या है कि एन इश्यूअर डिजायरस ऑफ मेकिंग एन ऑफर ऑफ एनसीआरपीएस टू द पब्लिक शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंप्लाई करना पड़ेगा सारे लिस्टिंग प्रोविजंस को, और लिस्टिंग कंप्लीट करना पड़ेगा फ्रॉम 6 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू. ठीक है, लिस्टिंग अग्रीमेंट, अगर नया LODR रेगुलेशंस आए हैं तो उसके बाद नया अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करो. देखो ये सब जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, जनरली इनका क्रक्स एक दो लाइन में होता है या एक दो पॉइंट्स में होता है, तो इट इज़ बेटर कि जब आप पढ़ो तो उसे आप या तो इस एंड में लिख सकते हो या फिर स्टिकी नोट्स से आप उसे लिख सकते हो अटैच करके. फिर है ये प्रोसेस है, आप इसे पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है कि हम रिविजन करें कि चलो फिर भी कर लेते.
तो स्टॉक एक्सचेंज को आप एप्लीकेशन लगाओगे, फिर क्रेडिट रेटिंग लोगे, स्टॉक एक्सचेंज क्रेडिट रेटिंग, फिर है डिपॉजिटरी के साथ डीमटेरियलाइजेशन का अग्रीमेंट, फिर है मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे डालेंगे फॉर कमेंट्स एंड कि आप इन्वेस्ट कर सको, फिर एडवर्टाइजमेंट देंगे एक हिंदी और एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स में, फिर इश्यूअर शैल डिसाइड द प्राइस एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन कंसल्टेशन एंड डिस्क्लोज द सेम। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर अगर नॉन रिसीव्ड है तो उसे 15%, अगर 8 दिन से ऊपर गया है तो उसे वापस करो। देखो ज़्यादा चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक, अगर इशू ऑफ एनसीआरपीएस करना है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ठीक, तो इसमें भी पॉइंट सेम ही है। पहले तो कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करो, फिर है क्रेडिट रेटिंग लो, फिर है कि आपको डीमैट फॉर्म में करना चाहिए, फिर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, मिनिमम एप्लीकेशन साइज मिनिमम 10 लाख का होना चाहिए, सीआरआर बनाना पड़ेगा आपको, फिर है शल नॉट इशू, ये सेम पॉइंट है एक्सेप्ट फॉर, ये पॉइंट जो है वो सेम है कि आप लोन या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए आप इशू नहीं कर सकते एनसीआरपीएस। लिस्टिंग अग्रीमेंट है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, कंप्लाई विद द लिस्टिंग अग्रीमेंट। ठीक है, फिर है डिस्क्लोजर्स, ये एग्जैक्ट सेम है स्केड्यूल 1 में जो अकम्पनीड बाई होगा लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ, वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए फॉर डाउनलोड, फिर द इश्यूज शेयर फॉरवर्ड अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर्स टू रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फिर कंटिन्यूस लिस्टिंग के लिए, फिर ट्रेडिंग मैकेनिज्म से देखो कि आप पढ़ लेने, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर हम आएंगे ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे, ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा। देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, पहला कि आपको ट्रेडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से आपको इन्वेस्ट करवाने हैं, ट्रेड करवाने हैं, या ओटीसी का ओवर द काउंटर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा तो टू द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंडीशंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड्स ऑन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ द इश्यूअर, इसमें भी ज़्यादा कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट है, देखो पॉइंट वाइज मैं आपको बस बोलती जाऊंगी कि सारे डिस्क्लोज करो मटीरियल फैक्ट्स। फिर है दूसरा है कि मर्चेंट बैंक का वेरीफाई करेगा कि डिस्क्लोज जो आपने किया है वो ट्रू फेयर एडिक्वेट है कि नहीं। तीसरा पॉइंट कि आपने जो क्रेडिट रेटिंग लिया उसे रिव्यू करवाना पड़ेगा एटलीस्ट वंस अ ईयर। फोर्थ पॉइंट, ट्रीट हर एप्लीकेंट को आपको इक्वली और फेयरली इक्विटेबल मैनर में ट्रीट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, इंटरमीडियरीज को ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सिक्स पॉइंट इज, कोई भी ऐसा चीज़ या ऐसा स्कीम नहीं होना चाहिए कि टू डिफ्रॉड। ये चीज़ उतनी रेलिवेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो हमने एनसीआरपीएस को रिवाइज कर लिया है और ये बहुत इजी है और अच्छा चैप्टर है, और इसे एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बेस्ट ऑफ लक, सी यू, बाय बाय।